मध्य प्रदेश में सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्यपाल की ओर से दो बार आदेश मिलने पर भी कांग्रेस फ्लोर टेस्ट करने को तैयार नहीं है और अब बागियों को मनाने की कोशिश में लग गई है। दरअसल कांग्रेस से बागी हुए सिंधिया गुट के 22 विधायक 10 दिन से बेंगलुरु में हैं और आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सरकार के कई मंत्री बेंगलुरु पहुंचे, लेकिन कर्नाटक पुलिस ने उन्हें रमादा होटल के बाहर ही रोक दिया। इसके बाद सभी कांग्रेस नेता सड़क पर धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने दिग्विजय समेत करीब 12 कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पुलिस हमें विधायकों से मिलने नहीं दे रही है। मैं मध्य प्रदेश का राज्यसभा उम्मीदवार हूं। 26 तारीख को राज्यसभा चुनाव के लिए विधानसभा में वोटिंग होनी है। हमारे विधायकों को यहां होटल में बंधक बनाकर रखा गया है। वो हमसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके मोबाइल छीन लिए गए हैं। वो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, उनके फोन छीन लिए गए हैं, ठीक है, पुलिस वाले उनसे बात भी नहीं करने दे रहे हैं, ठीक है, कहते हैं इनको सिक्योरिटी थ्रेट है, ठीक है। मैंने कहा मैं गांधीवादी आदमी हूँ, मेरे ऊपर पास न बम है, न हथियार है, न पिस्तौल है, न राइफल है, ठीक है, मुझे अकेले ले जाएं, ठीक है, उनसे मिलवा दें, मुझे संतुष्टि हो जाएगी, मैं वापस चला जाऊंगा, ठीक है। उसमें क्या आपत्ति है सर? बताइए आप क्यों नहीं भेज रहे उनको, आप प्लीज बताइए। आई एम नॉट आंसरिंग ಸರ್ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್। ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಕೇಳ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ನೀವು ಜನತೆಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್। ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಬತಾಯಿಯೇ ಪ್ಲೀಸ್। Mr. Bhima Shankar ji is saying that he has been told by some person who claims to be MLA of whose name he doesn't know that he doesn't want to meet me. How do I know that he has spoken to MLA? ಸರ್ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ, ಏನ ಕಳಿಸಲ್ಲ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ? ಪತ್ರ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ, ನಮಗೆ ಭೇಟಿ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಸರ್, ಪತ್ರ ತೋರಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್। ಒಂದು ಲೆಟರ್ ದಿಯಾ ಆಪ್ಕೋ, ಲೆಟರ್ ಆಪ್ಕೋ, ಲೆಟರ್ ಪೆ ಮೇರಾ ಲೆಟರ್ ನಹೀಂ ದಿಖಾಯಾ, ಏಕ್ ಫೋನ್ ಪೆ ದಿಖಾಯಾ, ಉಸ್ಮೇನ್ ಎಂದಲ್ ಸಿಂಗ್ ಮನೋಜ್ ಚೌಧರಿ ಲಿಖಾ ಹುವಾ ಹೈ, ಎಂದಲ್ ಸಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಮೈ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಮ್ಎಲ್ಎ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಂಟ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಟು ಮೀ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಹೆಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್, ಯು ಕಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ವಿತ್ ಯು now and his signature is forged, ठीक है। The BJP MLA Arvind Bhadauria and Bhargav member of parliament are holding them captive, this is my allegation। Why can't I meet my own MLAs, my own voters, my own party people? What is BJP doing in between? What has BJP got to do in between? ye mera, it is my right to meet my congress MLAs, I don't want to meet the BJP MLAs, I want to meet the congress MLAs। वहीं कमलनाथ ने भी ट्वीट कर कहा है कि बेंगलोर में बीजेपी द्वारा बंधक बनाए गए कांग्रेस विधायकों से मिलने गए कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के मंत्रियों विधायकों को मिलने से रोकना, उनसे अभद्र व्यवहार करना, उन्हें बलपूर्वक हिरासत में लेना पूरी तरह से तानाशाही और हिटलरशाही है। साथ ही कहा कि पूरा देश आज देख रहा है कि एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने के लिए किस प्रकार से बीजेपी द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है, क्यों विधायकों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, आखिर किस बात का डर बीजेपी को है, बीजेपी द्वारा एक गंदा खेल प्रदेश में खेला जा रहा है। न्यूज़ डेस्क।